मिस्टर जे जे यूट्यूब चैनल में हम एक दफ़ा आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं और आज की हम बात शुरू करते हैं खुदावंद करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो हमें पालने वाला है और जो हमें रिस्क देता है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान में क्या दुनिया में बहुत ही एक अहम टॉपिक है और बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जिसकी बड़ी अफादियत है। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एजुकेशन जो है पाकिस्तान में और दुनिया में जिन जो जो तरक्की पज़ीर मालिक हैं उनमें बड़ी कमी है इसकी। और टेक्निकल एजुकेशन के फुकदान की वजह से ही बहुत सारे नौजवान जो हैं तलीम के बाद जो हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं हमारे पास। ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, डिग्री होल्डर्स तो बहुत हैं हमारे पास, लेकिन जो है टेक्निकल हैंडेड लोग बहुत थोड़े हैं। और इसी वजह से तलीम के बाद लोग मारे मारे डिग्रियों के तो बंडलों के हिसाब से, पहला दौर होता था नंबर थोड़े होते थे, लेकिन आजकल नंबरों के तो बंडल हैं लोगों के पास, डिग्रियों के भी बंडल हैं, लातदाद डिग्रियां हैं, लेकिन लोग जो है टेक्निकल हैंडल ना होने की वजह से जो रोज़गार का जो है बहुत फुकदान है। तो दोस्तों, इस चैनल के तवसत से मैं चाहता हूँ आपको कि अगर आप दूसरी तलीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं बजाय इसके कि आप ये दूसरी तालीम हासिल करें, BA, MA, MSc करें, आप वो भी, मैं ये नहीं कहता कि उस तालीम की अहमियत नहीं है, उसकी तालीम की जगह अपनी जगह बेहतर है, लेकिन हम एक तरक्की पज़ीर मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तान में जो है रोज़गार की कमी है, हर तीसरा बंदा जो आपको है बेरोज़गार नज़र आएगा। टेक्निकल हैंडेड बंदा जो होता है ना, वो उसका रोज़गार होता है एक अपना, उसके उसको मेरे ख्याल के मुताबिक, मैंने बहुत ही कम ही मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो टेक्निकल हैंडेड हों और बेरोज़गार हों। टेक्निकल हैंडेड जो बंदा होता है उसको कोई ना कोई रोज़गार, ये तो हो सकता है कि रोज़गार थोड़ा हो सकता है, आपकी इनकम थोड़ी हो सकती है टेक्निकल हैंडेड की, लेकिन बेरोज़गार नहीं होता। दोस्तों, मैं इस अमर से गुज़रा हूँ, मैं इस सिलसिले से गुज़रा हूँ, मैं कुछ दिन खुद बेरोज़गार रहा हूँ। जो है टेक्निकल हैंडेड जो लोग नहीं होते, जो जब हम किसी हमारे पास कोई हुनर नहीं होता तो हम बेरोज़गार होते हैं, तो बहुत ही एक इशू होता है, घरों के घर ऐसे तबाह हो जाते हैं रोज़गार ना होने की वजह से, लोग परेशान फिरते हैं, मारे मारे ऐसे घूम रहे होते हैं, यार क्या करें अब। लेकिन दोस्तों, अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाएँ, और ख़ास तौर पर जो नित नए जो जदीद टेक्निकल एजुकेशन आ रही है उसकी तरफ तवज्जो दें। शुक्रिया। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि टेक्निकल एजुकेशन का जो अहमियत है दूसरे आपके दोस्तों को भी ये जान सकें। और नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और अगर मज़ीद अपनी बेहतर किसी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।